हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीपी वायर्स लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे। तो देखिए, इस शेयर के मैंने लास्ट जो टारगेट दिया था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है एंड आज के डे पे ये शेयर आपका हाई गया था 479.90, लो गया था 396.40 एंड आज के डे पे इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया 18.39% का एंड क्लोज हुआ है 473.50 पे। इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹642.44 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹644.88 करोड़ एंड पीई रेशियो है 22.15। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹7.71 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.06। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹21.37, रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.76% एंड आरओसी है 28.88%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 44.26% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था आपका 64.42%। और ये जो कंपनी है डीपी वायर्स, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 70.40% एंड पब्लिक का होल्डिंग है 29.60%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 70.40% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, ये कंपनी आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहा है एंड आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने लास्ट एक साल में आपका रिटर्न दिया है 79.79% का, जो कि मेरे हिसाब से एक साल के लिए एक बढ़िया रिटर्न है। ओके, और इस कंपनी ने 5 साल में आपका रिटर्न दिया है अभी 433.27% का। और एक चीज देखिए, जो कंपनी है डीपी वायर्स, इस एक कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए वीकली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। एक बार मंथली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए मंथली चार्ट में ये शेयर आपका बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे आपका है 11 अगस्त 2022 का दिन, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में एक आपका क्रॉस ओवर फॉर्म हुआ था, उसके बाद से देखिए शेयर आपका अप ट्रेंड में है। एंड यहाँ पे देखिए, मैंने आपका एक आपका रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया, जो कि इस शेयर का एक आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है, जिस लाइन को यहाँ पे भी देखिए तोड़ने की कोशिश किया था इस शेयर ने, लेकिन तोड़ नहीं पाया था। लेकिन आज के डेट पे यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, जो जिस कैंडल ने ये जो आपका रेजिस्टेंस लाइन है इसको तोड़ के ऊपर क्लोज किया, जो कि आपका टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 100 डेज 50 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेजेस का जो लाइन है इसके बहुत ही ऊपर ट्रेड करते हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी अबव 60 है और एमएसडी भी आपका 0.5 से ऊपर है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 वीक का चार्ट भी ओपन किया। तो पहला चीज देखिए, ये शेयर आपका कुछ हफ्तों से गिर रहा था और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका है अगस्त 2022 का 3रा वीक, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। उसके बाद से देखिए ये शेयर आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है और यहाँ पे देखिए
आज के मतलब अभी जो कारेंट आपका वीक खत्म हुआ, इस वीक में भी यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, जिस कैंडल ने क्या किया इसका जो आपका लास्ट हायर हाई लेवल था ये वाला लेवल, इसको भी तोड़ के ऊपर क्लोज किया है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0.0 से ऊपर है, मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो कारण मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹470, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से लगभग आने वाले 4 महीनों में ये शेयर आपका ₹570 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई ही सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बनाकर आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा सर टेक्निकली कैसा है, कौन सा सर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।